नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के पास ही है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में दुनिया के सबसे अधिक ताकतवर देशों के नेता और राजनयिक जुड़ेंगे। ये G20 का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कुल 43 प्रतिनिधि मंडलों और उनके प्रमुख इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। इनमें भारत के अलावा G20 के 18 सदस्य देशों और यूरोपियन यूनियन के प्रमुख शामिल होंगे। 9 देशों के प्रमुख आमंत्रित किए गए हैं और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी G20 में शिरकत करेंगे। इन सबके साथ राजनयिकों, प्रतिनिधियों आदि की एक बड़ी तादाद दिल्ली में होगी। G20 की थीम है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, या यूं कहें वासुदेव कुटुंबकम। और जब इस थीम के साथ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो फिर इसके लिए दिल्ली में खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन का केंद्र प्रगति मैदान में नया बना भारत मंडपन होने जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने वाले और आने वाले नेता राजनयिक दिल्ली और NCR के अलग अलग हिस्से में ठहरेंगे। दिल्ली में इसके लिए खास तैयारी जारी है। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में सार्वजनिक छुट्टी होगी। 9 और 10 सितंबर को शनिवार और रविवार है। बहुत से सरकारी और निजी दफ्तर सप्ताहांत में ऐसे बंद ही होते हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर 8 सितंबर यानी शुक्रवार को भी बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन ज्यादातर विदेशी मेहमान दिल्ली पहुंचेंगे। आइए जानते हैं कि इन 3 दिनों में क्या क्या बंद रहेगा और किन सुविधाओं पर आंशिक असर पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली सरकार और MCD के सभी दफ्तर 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। सभी स्कूलों में भी 3 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। दिल्ली से सभी निजी और सरकारी दफ्तर भी इस दौरान बंद रहेंगे। नई दिल्ली जिले के तहत आने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान भी बंद रहेंगे। नई दिल्ली जिले में स्थित दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा। दिल्ली सरकार को ये प्रस्ताव दिल्ली पुलिस ने भेजा था, जिस पर ट्रैफिक और सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए पत्र के मुताबिक मुख्य समारोह स्थल IECC प्रगति मैदान के अलावा राजघाट, IARI पूसा, NGMA जैसी जगहों पर विदेशी राजनयिकों का दौरा होगा। वो दिल्ली के शेरेटन, ताजमहल, ताज प्लेस, ली मेरिडियन, ओबरॉय, शांग्रीला जैसे अलग अलग होटलों में ठहरेंगे। यहाँ से उनके आयोजन स्थल पर जाना आना होगा। इन 3 दिनों के दौरान एक विस्तारित ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। इसमें दिल्ली के कुछ खास इलाकों में खास समय के लिए सार्वजनिक ट्रैफिक पर बंदिश होगी। जाम से बचने और VVIPs की सुरक्षा के मद्देनजर ये सब किया जाएगा। कुछ खास इलाकों के शॉपिंग मॉल और बाजारों को भी बंद रखा जाएगा। VVIP मूवमेंट वाले इलाकों में बसों को या तो बंद रखा जाएगा या वैकल्पिक मार्ग दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा को दिल्ली की सीमा के आसपास निर्धारित किया जा सकता है। मेट्रो रेल चलती रहेगी, लेकिन नई दिल्ली इलाके में पड़ने वाले कुछ खास स्टेशनों को सुरक्षा लिहाज से बंद रखा जाएगा। G20 के इस महायोजन के बीच जाहिर सी बात है कि अस्पताल और इमरजेंसी सेवा, साथ ही रेल और हवाई यात्रा करने वालों पर कोई असर ना पड़े, इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। अब आपको तेज तर्रार द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि आपको इस बात की जानकारी ठीक से हो गई होगी कि आखिरकार उन 3 दिनों में दिल्ली में क्या बंद है और क्या नहीं। इसी से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।